बर्गर किंग भाई, काम करने वाले को भी यहाँ पे किंग का कैप पहना चुका है। कमाल, मजा आ गया। चैनल एक्सप्लोरर श्रीजा, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं चैनल पर ध्यान नहीं दे रही थी, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अगेन आपको मैं एक नए कंटेंट के साथ दिख रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। लोकेशन पता तो बता देंगे, लोकेशन कहाँ पर हैं हम। और ये आपका, मैं आ गई हूँ बर्गर किंग। तो आपने बहुत सुना होगा बड़े बड़े शहरों में लाइक दिल्ली, मुंबई और अदर अदर सिटी में आपने सुना होगा कि बर्गर किंग का आउटलेट खुला है। देन यहाँ आपको ना बिहार में पहली बार और पटना में यहाँ पे आपको बर्गर किंग का आउटलेट खुला है, और ये अमेजिंग होता है, मज़ेदार होता है। और लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन है SP वर्मा रोड। आप अगर कहीं से भी आ रहे होंगे तो बस आपको बोलना SP वर्मा रोड, और इतना बड़ा सा आपको ये बर्गर किंग का दिख जाएगा आउटलेट। सो अंदर चलेंगे, जानेंगे। क्या आपको पता है कि बर्गर सबसे पहले कहाँ बना था? नहीं तो वो बता दीजिएगा, और मैं बताती हूँ। बर्गर सबसे पहले रोम में बना था, और ये जो आपका बर्गर किंग का जो बर्गर होता है, ये आपको अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल चेन हेम बर्गर, उस पर आधारित है ये। तो अंदर चलेंगे यहाँ के, यहाँ का बर्गर का टेस्ट कैसा है आपको रिव्यू बताएंगे, और हम खुद ट्राई करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम ट्राई करेंगे तो आपको रिव्यू बताएंगे ही। देन अंदर चलते हैं और जानते हैं। एंड आपको यहाँ पे जो टाइम है ओपन का, वो सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक का है। और क्या क्या यहाँ ऑफ़र चल रहा है, मेन्यू वगैरह सारा चीज़ दिखाएंगे। सो अंदर चलते हैं। आप जैसे ही वहाँ से एंटर करेंगे, आप यहाँ का देख सकते हैं एम्बियंस कितना खूबसूरत है, और यहाँ का बैठने का सिटर एरिया काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, एंड काफ़ी खूबसूरत है। और आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारा कॉम्बो वगैरह दिखेगा, और सारा का सारा आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या प्राइसिंग है, कैसे आप क्या ऑर्डर कर सकते हैं, किसमें आपको क्या फ्री मिल रहा है वगैरह वगैरह, सारा चीज़ वहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिखाया गया है। और आप एक बार दिखा दीजिएगा, व्यू काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। यहाँ का हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट किया गया है, एंड आप देख सकते हैं सेल्फी स्पॉट हर जगह बनाया गया है, लाइक वहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो। और ये कैप जो है, आप ये देख सकते हैं, जैसा कि बर्गर किंग है इस वजह से यहाँ पे ये कैप बनाया गया है कि आप इस पर सेल्फी ले सकते हो। तो आप एक बार दिखा दीजिएगा। अकॉर्डिंग वहाँ पे सारा डिस्प्ले होते रहेगा हर टाइम, सेम ऑफ़र नहीं होता है, अलग अलग ऑफ़र होता है। तो आपको जो पसंद है उसके साथ 100 अगर आप ऐड करवाएंगे, देन उसके बाद आपको फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक जो भी आपको पीना है वो मिलेगा, कोई सा भी बर्गर हो, बट उसमें आपको 100 ऐड करवाना पड़ेगा वो दोनों को लेने के लिए। सो यहाँ पर आप वेट करते हैं अपने ऑर्डर का, जरा आ जाए तो देखते हैं। बर्गर किंग है। यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ चुका है, ये है मेरा बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स। और यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस है, जा करके लाना होगा। सो आप ऑर्डर करके यहाँ पे बैठेंगे, फिर आप जा करके लाएंगे इसको। सो हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी फ्लफी है, और इसके अंदर चीज़ वगैरह सारा चीज़ दिया गया। और आप ये देखिए, काफ़ी मतलब अच्छा है, काफ़ी फ्लफी और काफ़ी इसमें मटेरियल भर भर के दिया गया है। सब टेस्ट करके आपको बताते हैं, काफ़ी चीज़ी भी लग रहा है ये। बर्गर से ज़्यादा आपको टेस्ट ना इसमें जो आलू टिक्की दिया रहता है ना, उसका आ रहा है, मतलब क्रिस्पी आलू टिक्की का टेस्ट है। बर्गर किंग है।
पता भी इसके बारे में हम क्या बोले, बट जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अगर आपको आना है कहीं महंगी जगह पे खाने, देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। 100 से ऊपर का बर्गर है, खाइए, इंजॉय कीजिए। और भी अभी टेस्ट करते हैं, अभी बाकी है। फ्रेंच फ्राइज टेस्टी लगा हमको यहाँ का, और ये नॉर्मल है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, नॉर्मल है, अच्छा है। सो लास्ट एंड अब वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड हम अपना बर्गर इंजॉय करते हैं। तो आपको आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और भीड़ काफ़ी है, एक दो दिन हुआ है अभी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए।